नमस्कार। क्यों बढ़ जाती है नीतीश कुमार की मुस्कान जब हार जाती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ऐसा लगता है जैसे अपने बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा का स्वर्ण काल खत्म हो गया और काला दौर शुरू हो गया है। राज्य दर राज्य भाजपा का किला दरकता जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ता गंवाना, हरियाणा में जैसे तैसे सरकार बना लेना और दिल्ली में सारे कर्म को कर्म कर लेने के बावजूद भी दहाई तक नहीं पहुंच पाना भाजपा को तो निश्चित तौर पर परेशान करता होगा। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई व्यक्ति या दल सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा बैकफुट पर रह सकती है। कई राज्यों में शर्मनाक पराजय के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बैकफुट पर रहना ही होगा। उसे नीतीश कुमार के इशारों पर चलना ही होगा। नीतीश कुमार चाहे जितनी मर्जी भाजपा को सीटें देंगे उसे लेना ही होगा। भाजपा के नए अध्यक्ष जेपी नड्डा में अमित शाह जैसा वो दम नहीं कि वो नीतीश कुमार के साथ आंखों में आंखें डालकर बराबरी की सीट शेयरिंग कर सके। नीतीश कुमार की चाहत है कि वो अकेले 150 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी के 93 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। अब भाजपा क्या करेगी? जिस तरह से भाजपा अपने एक एक कर राज्यों को खोती जा रही है वैसे में सिवाय नीतीश कुमार की बात सुनने के उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। नीतीश कुमार के पास तो ढेर सारे विकल्प खुले हुए हैं और नीतीश कुमार तो बिहार की राजनीति में किसी भी पार्टी के लिए अछूत नहीं है, लेकिन भाजपा के लिए विकल्प सीमित है। जाहिर है कि नीतीश कुमार इस स्थिति का लाभ उठाएंगे और अपनी पार्टी को अधिकतम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का माहौल बनाएंगे। यही वजह है कि भाजपा चाहे महाराष्ट्र में सत्ता गंवा देती हो, झारखंड और दिल्ली में शर्मसार कर देने वाली स्थिति में पहुंच जाती हो, उसके सहयोगी नीतीश कुमार की मुस्कान चौड़ी होती जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि भाजपा की जितनी बड़ी हार होती है नीतीश कुमार की मुस्कान उतनी ही बड़ी हो जाती है। धन्यवाद।